लंदन सिटी हवाई अड्डे ने कहा कि थेम्स नदी के पास द्वितीय विश्व युद्ध के समय का बिना फटा बम मिलने के कारण उसने सोमवार 12 फरवरी के लिए अपनी सारी उड़ानों को रद्द कर दिया है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस सेवा ने कहा कि उसने बम स्थल के 214 मीटर के दायरे को खाली कर लिया है और अधिकारी रॉयल नेवी के विशेषज्ञों के साथ मिलकर बम को वहां से हटाने का काम कर रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों ने क्षेत्र के लोगों को आपातकालीन आवास की पेशकश की है। पुलिस ने बताया कि सिटी हवाई अड्डे पर काम के दौरान रविवार को जॉर्ज वी डॉक पर बम मिला। हवाई अड्डे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रॉबर्ट सिंक्लेयर ने कहा कि वो मानते हैं कि यात्रियों को असुविधा होगी, लेकिन स्थिति के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों के साथ हवाई अड्डा पूर्ण सहयोग कर रहा है। बम मिलने के बाद आसपास के इलाकों को खाली कराया गया है। लंदन सिटी एयरपोर्ट की वेबसाइट पर जारी एक बयान में यात्रियों को अगली जानकारी तक एयरपोर्ट न आने की सलाह दी गई है। एयरपोर्ट के आसपास के रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। लंदन सिटी एयरपोर्ट एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो पूर्वी लंदन में स्थित है। ये इलाका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान काफी औद्योगिक और घनी आबादी वाला था। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।